नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा, और अगले 6-7 मिनट में राजस्थान की पहली चरण की 12 सीटों का एक अंतिम विश्लेषण आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो पहले आपको सबसे बड़ी खबर सुना दूं, 12 सीटों में से पहले माना जा रहा था कि बीजेपी साफ तौर पर 7 सीटें निकाल रही है, कांग्रेस 3 सीटें निकाल रही है और 2 सीटें फंसी हुई है जिसमें कांग्रेस को एच बताया जा रहा है। यानी वो 2 फंसी हुई सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ जाए तो बीजेपी की 7 और कांग्रेस के हिस्से की 5 सीटें। अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से मामला बराबर का हो गया है, 50-50 हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं 50% सीटें, 6 सीटें बीजेपी, 6 सीटें कांग्रेस। तो कौन सी 6 सीटें बीजेपी, कौन सी 6 सीटें कांग्रेस, इसकी एक विवेचना करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ऊपर से करते हैं, गंगानगर सीट से। गंगानगर सीट के लिए दोनों नए कैंडिडेट हैं। बीजेपी की तो बिल्कुल नई कैंडिडेट है, जो राजनीति में भी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, प्रियंका बैलान, और उनके सामने कुलदीप इंदौरा है जो कांग्रेस के पुराने नेता है, लेकिन जीत का स्वाद चखा नहीं है। लेकिन इस बार लग रहा है कि जीत का स्वाद वहां के किसान, वहां के सिख और वहां के राजपूत मिलकर जीत का स्वाद चखवा सकते हैं इंदौरा को, ये खबर आ रही है। पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, सिख समाज के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, जो कृषि के 3 कानूनों बने, काले कानून, उनका विरोध दोनों बार के आंदोलन में यहाँ के लोगों ने किया, कुछ लोग यहाँ के किसान भी शहीद हुए थे। तो ये पुरानी नाराजगी हावी है और ये पुरानी नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। भजनलाल सरकार में उस बेल्ट से कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया है। टीटी साहब को मंत्री बनाया गया था लेकिन लोगों ने ही चुनाव में हरा दिया था। तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, गंगानगर की। एक बीकानेर की सीट की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार उनको टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो पिछड़े हैं और अर्जुन राम मेघवाल तेजी से आगे निकले हैं, ये खबर बीकानेर से आ रही है। देवी सिंह भाटी के साथ भी रिश्ता सुधरा है, उसका भी एक लाभ स्वाभाविक तौर पर अर्जुन मेघवाल को मिलता हुआ दिख रहा है। चौथी सीट की बात करें, अलवर की सीट। अलवर की सीट में भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को देखते हुए ललित यादव को, यादव को मैदान में उतारा, लेकिन फिर वही करण सिंह यादव होते तो शायद मजबूत होते। मेव समाज का वोट बढ़ सकता है, बीएसपी ने वहां पर जो पुराने मेव नेता तैयब हुसैन, उनके परिवार के एक पोते को शायद चुनाव मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मोटे तौर पर भूपेंद्र यादव वो सीट निकाल रहे हैं। तो 2 सीटें चली गई बीजेपी के पास, 1 सीट आ रही है कांग्रेस के पास अभी तक। आगे भरतपुर की सीट को लेकर रोचक स्थिति बन गई है। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि संजना जाटव पिछड़ रही हैं, युवा हैं, लोकसभा के पहले विधानसभा चुनाव लड़ा था, 409 सीटों वोटों से वो हारी थी दिग्गज के हाथों। अब कहा जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह भले ही साथ ना दे रहे हों लेकिन उनका 50% साथ भी मिल गया, यानी जाटों का 50% वोट भी मिल गया, तो बाकी जाति समीकरण संजना जाटव के पक्ष में बैठते दिख रहे हैं और वो सीट निकालने की स्थिति में है। लेकिन मैं ये सीट भरतपुर बीजेपी को दूंगा। मुझे लग रहा है कि संजना जाटव बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अंततः ऐसा लग रहा है कि शायद मामूली अंतर से भरतपुर की सीट बीजेपी निकालने में कामयाब हो जाए। यही स्थिति करौली धौलपुर की सीट को है, वो भी बीजेपी के खाते में दिख रही है। तो इस हिसाब से जो मैंने 5 सीटों का विश्लेषण किया उसमें 4 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। तो अब आप कहेंगे कि फिर कांग्रेस के पास आ कहां से रहा है शेखावटी। शेखावटी की 3 सीटें पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। राहुल कस्वा आज की तारीख में बीजेपी के नेता भी ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि आगे चल रहे हैं और अब तो सुबह 7 बजे से चुनाव के लिए वोट डलने भी शुरू हो जाएंगे। अमरा राम सीपीएम को खाते में दी गई। अमरा राम पिछले कुछ समय में विधानसभा चुनाव में भी बहुत कम वोट लेकर आए पाए थे, लेकिन कांग्रेस का भरपूर साथ मिला है और अमरा राम की व्यक्तिगत इमेज भी ऐसी है,
हाँ एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि गंगानगर सीट में फायदा कांग्रेस को सीपीएम के कारण भी हो रहा है, जो समझौता सीकर में किया है, क्योंकि गंगानगर विधान की जो एक दो विधानसभा सीटें हैं उसमें कॉमरेडों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, और सीकर की सीट चूंकि सीपीएम को दी गई तो सीपीएम कैडर के जो कार्यकर्ता हैं वो गंगानगर में कांग्रेस का साथ देने में लगे हैं, और आप जानते हैं कॉमरेड जिसका साथ देते हैं दिल खोलकर तन मन धन से साथ देते हैं, जैसा आमतौर पर बीजेपी का कैडर भी इसी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, या संघ का कार्यकर्ता भी जैसे बीजेपी के लिए तन मन धन से काम करता है, ठीक वही तरीका है। बृजेंद्र ओला को मजबूत माना जा रहा है झुंझुनू में। शुभकरण चौधरी कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा चुनाव हार गए थे उदयपुर वाटी से, वो कुछ कमजोर हैं, राजनीतिक हैसियत से भी उनकी थोड़ी कमजोर है, और शायद पार्टी ने भी कुछ अलग तलग छोड़ दिया है, अग्निवीर का समस्या है, जाटों की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, शीशराम ओला का नाम है, तो इस कारण झुंझुनू सीकर और चूरू, अब ये तीन सीटें कांग्रेस के पास, तो अभी तक के हिसाब से बीजेपी 5 पे आगे और कांग्रेस 4 पर आगे हो गई, 3 शेखावटी 1 गंगानगर, और बीजेपी हम मान के चल रहे हैं बीकानेर भरतपुर करौली धौलपुर ये सीटें बीजेपी निकाल रही है पहले चरण के हिसाब से देखा जाए। दूसरा की सीट में तो लोग कह रहे हैं कि अब कोई इफ बट रह ही नहीं गया है, हालांकि इतना आत्मविश्वास भी नहीं होना चाहिए, मुरारी लाल मीणा की स्थिति अच्छी है, सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की है, किरोड़ी लाल मीणा की जो बदहवासी है वो भी कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ जगह सभा में भीड़ नहीं जुटी, कुछ जगह वो थोड़ा गुस्से में बोल गए, कुछ गुजरों को लुभाने के लिए कुछ बातें कह रहे हैं उसका असर होता दिख नहीं रहा, और अशोक गहलोत के भी 2-3 दौरे हो चुके और उससे माली समाज में भी एक पॉजिटिव पॉइंट गया है जिसका असर जयपुर ग्रामीण की जो सीट है जहां अनिल चोपड़ा को बहुत तगड़ी फाइट में बताया जा रहा है, जहां सचिन पायलट की मेहनत भी रंग लाती दिख रही है, लेकिन जयपुर ग्रामीण की सीट और जयपुर शहर की सीट फिर भी बीजेपी के खाते में ही जाती दिखाई दे रही है, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर गुजर वोट और माली वोट जयपुर ग्रामीण की सीट पर अनिल चोपड़ा को मिल गया तो अनिल चोपड़ा चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि जाट वोट तो उनको हासिल हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक हमने जो 11 सीटों की चर्चा की है उसके हिसाब से 6 में बीजेपी और 5 में कांग्रेस, अब एक सीट बच गई नागौर की, ये बिल्कुल फंसी हुई सीट है, नागौर की सीट बड़ी उलझी हुई सीट है। कुछ दिन पहले तक हनुमान बेनीवाल ठीक ठाक बढ़त लिए हुए थे, अब पिछले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा ने ये फासला है कुछ पाटा है, कुछ लोग कह रहे हैं मामला बिल्कुल मुकाबले पर आ गया है। अब बड़ा सवाल वहां पर जाटों के हाथ में नहीं रह गया कि कौन सा जाट उम्मीदवार संसद पहुंचेगा, गैर जाटों के हाथ में कमान आ गई है कि किस जाट को वो लोकसभा भिजवाते हैं, और ऐसे में मुस्लिम वोटों का महत्व बढ़ गया है, जो बेनीवाल के पक्ष में गया तो बेनीवाल, और मेघवाल जो दलित हैं वो बेनीवाल के पक्ष में गए तो बेनीवाल सीट निकाल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हल्ला बहुत है, हो अल्लाह, दोनों तरफ से बयानबाजियां, बड़ा आक्रामक अंदाज में ये चुनाव लड़ा गया है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि 1-2 सर्वे नागौर की सीट बीजेपी को नहीं देकर कांग्रेस को दे रहे हैं तो चलिए हम उन सर्वे के अनुसार ही चलते हैं, और नागौर की सीट भी हनुमान बेनीवाल जीतने की बेहतर स्थिति में है। यहां जाते जाते मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि 6 सीटें बीजेपी 100% जीत रही है, कांग्रेस 6 सीटें 100% जीत रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो माहौल बंदी है, जो लोगों से बात हुई, जो कार्यकर्ताओं से बात हुई, जो पत्रकारों से बात हुई, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, जो सीनियर पत्रकारों से बात हुई, उसके आधार पर जो मैंने जयपुर में बैठकर जायजा लेने की कोशिश की है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए, आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।